नमस्ते, आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्वाद का सफर विद सुमन में स्वागत है। अरबी को कुछ जगह पे घुइयां भी कहा जाता है। आज मैं अरबी की ऐसी रेसिपी लाई हूँ जिसे बनाकर खाएंगे तो आपकी फेवरेट डिश में शामिल हो जाएगी। जो अरबी की सब्जी को नापसंद करते हैं उन लोगों की भी फेवरेट डिश में अरबी की सब्जी बन जाएगी। तो बनाते हैं अरबी की लाजवाब रेसिपी। 400 ग्राम अरबी लेनी है जिसे छीलकर लंबाई में काटकर 3 से 4 पानी धोना है और अरबी को सुखा लेना है, नहीं तो अरबी चिपचिपी बनती है। अब एक टमाटर, 2 मीडियम साइज के प्याज, 5 हरी मिर्च या अपनी इच्छा अनुसार, इन सबको पीसकर महीन पेस्ट बना लेंगे। कढ़ाई में 1/3 कप तेल लेंगे। तेल जब गर्म हो जाए तब आधा छोटा चम्मच अजवाइन, 2 चुटकी हींग, आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच मंगरैल डाल देंगे। इसके बाद कटी हुई अरबी डालकर अरबी को फ्राई करेंगे। अरबी को लाइट गोल्डन कलर आने तक ही फ्राई करना, इससे ज़्यादा पकाना नहीं है। अरबी जब फ्राई हो जाए तब एक प्लेट में निकाल लेंगे। उसी तेल में पीसा हुआ पेस्ट डालकर चलाते हुए भूनना है। जब किनारे से तेल दिखाई देने लगे तब एक बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। जब तक अदरक लहसुन का कच्चापन निकल नहीं जाता तब तक इसे भूनना है। इसके बाद एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 बड़ा चम्मच गरम मसाला, 1/2 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालकर अच्छी तरह से भूनना है। जब इस तरह से कढ़ाई में तेल नज़र आने लगे तब इसी स्टेज पर फ्राई की हुई अरबी डालना है। अब अरबी को मसाले के साथ कुछ देर भूनना है। इसके बाद जितनी आपको ग्रेवी पसंद है उतना पानी डालना है और स्वाद अनुसार नमक डालकर सब्जी को चलाकर ढक देंगे। सब्जी को ढककर पकाना है और बीच बीच में ढक्कन उठाकर चलाएंगे। ये देखिए सब्जी कितनी जानदार बनी है। आपको एक अरबी की सब्जी काटकर दिखाती हूँ। अब गैस बंद कर देंगे और हरी धनिया डालकर सर्व करने के लिए सब्जी तैयार है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।